दरिया का दर्द, चोरी हुई नदी की कहानी, आखिर कौन सी नदी है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात के अस्तित्व के लिए इंद्रावती में बिछाए जा रहे एनीकोटों के जाल खतरा बन गए हैं। 5 दिन पहले चित्रकोट एनीकट के गेट बंद करने से जलप्रपात की मृत प्राय स्थिति देखने के बाद इसके अस्तित्व को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि हो हल्ला मचते ही जल संसाधन विभाग ने एनीकट के कुछ गेट खोल दिए हैं, जिसमें जलप्रपात के हालत में कुछ सुधार हुआ है, पर इंद्रावती नदी में हर 5-7 किलोमीटर की दूरी में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर लगातार बनाए जा रहे एनीकटों के निर्माण को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। नई दुनिया ने पूर्व में एनीकटों के निर्माण में विशेषज्ञों से चर्चा कर जलप्रपात के अस्तित्व पर मंडराने वाले खतरे की आशंका से संबंधित खबरें प्रकाशित होती रही हैं। उस समय यह बात सामने आई थी कि एनीकोटों के निर्माण में रिवर और इरिगेशन इंजीनियरिंग का जल संसाधन विभाग द्वारा पालन न किए जाने के कारण भविष्य में जलप्रपात के साथ साथ इंद्रावती नदी के प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ना तय है। इंद्रावती नदी में ओडिशा सीमा से लेकर चित्रकोट जलप्रपात तक 10 से अधिक एनीकोटों का निर्माण किया गया है। इनमें जदलगतपुर से लेकर जलप्रपात के बीच ही 6 एनीकट हैं। इनका निर्माण पिछले 14 सालों में किया गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी स्वीकृत करने के लिए बाद एनीकटों का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी ओर इंजीनियरिंग कॉलेज के अध्यापकों का कहना है कि नदी में 2 एनीकटों के बीच कम से कम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। ऐसा न होने और नज़दीक में एनीकटों के निर्माण से नदी का वह इलाका भविष्य में उथला होता जाएगा, तटबंधों में कटाव बनेगा और एनीकट आपस में ओवरलैप हो जाएगा। इंद्रावती नदी ओडिशा सीमा पर बस्तर में प्रवेश कर 233 किलोमीटर की दूरी तय कर महाराष्ट्र और छक की सीमा के नज़दीक गोदावरी नदी में मिलती है। ओडिशा सीमा से 70 किलोमीटर दूर चित्रकोट जलप्रपात के बीच कई एनीकट बना दिए गए हैं। पहला एनीकट 2001-02 में यहां पुराने पुल के निकट पेयजल की समस्या के निदान के लिए बनाया गया था। इसके बाद भालूगुड़ा, मालगांव, कुम्हरावर्ण, सिंगनपुर, भोड़, काम ले चित्रकोट में निर्माण किया गया है। चित्रकोट में करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से 3 माह के भीतर इसी साल फरवरी में एनीकट का निर्माण पूरा किया गया है। जलप्रपात के 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम में निर्मित इस एनीकट को जलप्रपात के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है। इसी एनीकट के गेट बंद करने से 5 दिन पहले जलप्रपात की धारा पतली हो गई थी और कहते हैं एक्सपर्ट के अविभाजित मध्य प्रदेश में लंबे समय तक जल संसाधन मंत्री रहे रामचंद्र सिंह देव नदियों में कम दूरी पर एनीकट निर्माण को नदियों की प्रकृति के लिए बड़ा खतरा बताए हैं। उनका कहना है कि इंद्रावती नदी में जिस तरह से त्वरित सिंचाई लाभ बताकर करोड़ों की लागत से 6-7 किलोमीटर की अंतर्गत ये एनीकट बनाए गए हैं, उसे नदी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री पीके वर्मा के अनुसार चित्रकोट एनीकट अथवा इसके पूर्व इंद्रावती नदी में निर्मित एनीकट से चित्रकोट जलप्रपात को कोई खतरा नहीं है। एनीकट में पानी भरने के बाद ओवरफ्लो से पानी का बहाव एनीकट के डाउनस्ट्रीम में पूर्ववत हो जाता है। चित्रकोट एनीकट भर चुका है और कुछ गेट भी खुले रहे हैं ताकि पानी का बहाव बना रहे और चित्रकोट जलप्रपात पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। लोहड़ी गुड़ा क्षेत्र के जल संसाधन विभाग के सहायक मंत्री ओपी गुप्ता का कहना है कि चित्रकोट में एनीकट निर्माण मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर ही की गई है। विकास यात्रा के दौरान 2013 में मुख्यमंत्री ने चित्रकोट में एनीकट निर्माण की घोषणा की थी, इसलिए इसका निर्माण रिकॉर्ड समय 2-3 माह में पूरा कर लिया गया है। गुप्ता के अनुसार इस एनीकट से जलप्रपात का अस्तित्व खतरे में पड़ने की आशंका निराधार है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।